क्वेश्चन नंबर 12 सेकेंड पार्ट. हेयर वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड. इस फिगर में हमको एंगल एक्स वाई और जेड को पता करना है, उनकी वैल्यूज़ पता करनी है. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को. तो यहाँ पर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये जो एंगल 40 डिग्री है, इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है ये जेड. तो सीधा सीधा हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब हम जो भी लिख रहे हैं वो इस फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद लिख रहे हैं, Z will be equal to 40 degree. रीज़न ये है कि Z और ये 40 डिग्री वाला ये जो एंगल है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसी वजह से ये दोनों इक्वल होंगे. तो ये हो गया सिंस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, इसलिए दो इक्वल हो गए. तो अब हमने Z की वैल्यू पता कर ली. अब Z की वैल्यू पता करने के बाद हम पता करेंगे Y का वैल्यू. कैसे पता करेंगे, ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, ये एक स्ट्रेट एंगल है तो ये 180 डिग्री होगा. और ये दो एंगल्स जो हैं Y और Z, ये लीनियर पेयर हैं. तो लीनियर पेयर को जब भी हम ऐड करते हैं तो हमको आंसर आएगा 180 डिग्री, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो Y प्लस जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स. अब Y का वैल्यू हमको नहीं पता, तो Y एज इट इज़ प्लस Z इज 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस प्लस 40 को इधर भेज दिया गया तो वो माइनस 40 डिग्री हो गया. Y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40 इज 40 डिग्री. तो ये हो गया Y का वैल्यू. क्वेश्चन में और एक वैल्यू है यहाँ पर जो मैंने लिखना भूल गया था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 25 डिग्री. अब हमको x की वैल्यू बची है उसको फाइंड करना है. तो अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कितना एंगल बनेगा. ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम एक ऐसा कर्व बना दें तो वो 180 डिग्री होगा टोटल. मतलब ये 180 कैसा हुआ, इसमें 40 और ये x और ये 25 डिग्री, ये तीन एंगल्स को ऐड करने के बाद, कौन से एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों को ऐड करने के बाद हमको 180 मिलेगा. तो हम इसके हिसाब से लिख सकते हैं 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 डिग्री, ये तीन एंगल्स को ऐड करने के बाद हमको आएगा 180 डिग्री. तो अभी देखिए, सबसे पहले नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 40 और 25, दैट इज़ 65 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये प्लस 65 को उस तरफ भेज दीजिए, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, x इज इक्वल्स टू, अब 180 में से 65 को माइनस कर दीजिए, 180 में से 65 डिग्री, ये 7 बन गया, ये 10, 10 माइनस 5 इज 5, 7 माइनस 6 इज 1, 1 एज इट इज़. तो यहाँ पर आंसर आ गया 115 डिग्री.